हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे और क्रिस्पी पनीर के परांठे की रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर के ये टेस्टी से क्रिस्पी परांठे। बीच में मैं आपको ये टिप भी दूंगी कि आपके वहाँ परांठे फट क्यों जाते हैं, क्रिस्पी क्यों नहीं बनते हैं, इन सब की वजह क्या है। तो आप वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि जो छोटे छोटे टिप हैं वो आप मिस ना करें और आप भी इसी तरह से एकदम कुरकुरे और टेस्टी से पनीर के परांठे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पनीर लिया है। पनीर को मैंने पहले से पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। पनीर में मोटे मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, जिस वजह से भी हमारे परांठे फटते हैं। अब हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च, और साथ ही मैंने एक छोटा अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच जीरा डाला है। अब हम इन सबको दरदरा पीसेंगे। हमें ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा दरदरा पीसना है। इस तरीके से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तभी परांठों का टेस्ट अच्छा आता है। अब हम पनीर को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। प्याज हमें बारीक ही कट करनी है, मोटी मोटी प्याज जब हम कट करते हैं तो हमारे परांठे उससे भी फट जाते हैं। और मैंने यहाँ एक बारीक कटा हुआ हरी प्याज, और साथ में अब हम इस जो हमने पेस्ट बनाया था धनिया और हरी मिर्च का, उस पेस्ट को भी मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक डाला है, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, और मैंने यहाँ 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है, और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे। आटे की हम लोई बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें आटे की लोई बनानी है। मैंने यहाँ आटे में नमक और अजवाइन डालकर ही आटे को गूंथा है, जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है। और अब हम इसको थोड़ा सा मोटी सी लोई बना लेंगे स्टफिंग भरने के लिए। एक पूरी के शेप के बराबर हमें ये रोटी बेल लेनी है, और इस तरीके से बेलने के बाद अब हम इसे हाथ पर रखेंगे और इसके अंदर इस तरीके से फोल्ड कर कर स्टफिंग भरेंगे। देखिए स्टफिंग आप थोड़ी सी ज़्यादा ही भरें। जब हमारे पनीर के परांठों में स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा होती है तो परांठे तभी अच्छे लगते हैं, इसीलिए स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें। और इस तरीके से दबा दबा कर स्टफिंग को इस तरीके से धीरे धीरे दबाते हुए आप इस तरीके से चारों तरफ के आटे को फोल्ड कर दीजिए। देखिए आटे को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हमें ये परांठे बनाने हैं। हमें एकदम टाइट हाथों से कभी भी परांठे को नहीं बेलना चाहिए, जिससे हमारे परांठे फट जाते हैं। हमें बहुत ही सॉफ्ट हाथों से ही इस तरह से दबा दबा कर ही परांठे बनाने हैं। देखिए पहले हम थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से दबा दबा कर ही बड़ा करेंगे, जिससे कि परांठे फटे ना। उसके बाद हम बेलन से इस तरीके से इसे धीरे धीरे बेल लेंगे। अगर हम टाइट हाथों से परांठे को इस तरह से बेलते हैं तो परांठे टाइट हाथों की वजह से, प्रेशर मारने की वजह से फट जाते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट हाथों से ही इन्हें बेलना है। आप देख सकते हैं कि परांठा बिल्कुल भी फटा नहीं है और कितने अच्छे तरीके से बन चुका है। अब हम तवा गरम करेंगे और गरम तवे पर ही परांठे को धीरे से डालेंगे। आप इससे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें, और ऑयल लगाने के बाद आप परांठे को सेकें, जिससे परांठा तवे पर चिपकता नहीं है। और 1 मिनट बाद ही आप गैस फ्लेम को स्लो कर दें और परांठे के ऊपर घी लगाएं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी के परांठे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसीलिए घी से ही मैंने परांठे बनाए हैं। घी लगाने के बाद अब हम परांठे को पलट देंगे और उसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। देखिए हमें हमेशा जब परांठे बनाने हों तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही परांठे को पकाना चाहिए, क्योंकि परांठे जैसे धीरे धीरे फ्लेम पर बनेंगे
तो तभी हमारे परांठे क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। अगर आप फुल फ्लेम पर ही परांठे बनाते हैं तो परांठे आपके जल जाते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं और कच्चे भी रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा परांठे को उलट पलट कर कर हमें मीडियम फ्लेम पर ही इस तरह क्रिस्पी होने तक पका लेना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि परांठा कितना क्रिस्पी बना है और कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से पनीर के परांठे बना सकते हैं, वो भी क्रिस्पी और टेस्टी। तो इसी तरह से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे से टिप का ध्यान रखेंगे, तो आपके भी परांठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही टेस्टी परांठे बनकर तैयार होंगे। एक ही बार में आप परफेक्ट परांठे बिना फटे बना सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से परांठे बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपके परांठे एक ही बार में परफेक्ट और बिना फटे ज़रूर बनेंगे और आपको बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे। वीडियो में दिए हुए हर छोटे से छोटे टिप्स को फॉलो कीजिएगा और आपके परांठे कुरकुरे ज़रूर बनेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।